बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको इंशाल्लाह फर्दर एक एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मैं तो ये कहूँगा। चूंकि आज के सेशन के अंदर आप जो लॉज अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, उसको एक तरह से हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इन टुडेज लेसन वी विल इंशाल्लाह कवर द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ एसी जनरेटर, एज वेल एज वी विल डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइनली हम ग्राफ के जरिए ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेसन, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज सेशन, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट भी कवर हो, और डेरिवेशन वाले पार्ट के साथ आप ग्राफ को भी बड़े अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाएं। सो इन द प्रीवियस लेसन वी डिड लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर को पढ़ा सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को अप्लाई करके। सो हमने एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में भी इसको ट्रांसफॉर्म किया, एंड वी फाइनली वर एबल टू अंडरस्टैंड के किस तरह से आपका जो एनर्जी डेंसिटी है, दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्क्वेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो हैविंग डन दैट, let us now see. I will give you 30 seconds to answer this. So what is an AC generator? AC generator is a device which can convert the mechanical form of energy into an electrical form of energy. So electric machines ke andar ek bada hi aham component hai aapka jo AC generator hai. So we will inshallah explore, and in order to understand that how does it work, let us see an animation. So dear students, you must have seen ke kis tarah se ek coil jab rotate karta hai under the influence of magnetic field, to magnetic field lines, magnetic flux ke change hone ki wajah se usme emf induce ho jati hai. And unless or until it keeps on rotating, you will find that the EMF will also keep on inducing in the loop. So an AC generator is a device which can convert the mechanical form of energy into electrical form of energy, and we will keep on rotating unless or until we keep on rotating the loop within the magnetic field. So Faraday's law ke mutabik jis rate के साथ, जितना तेजी के साथ हम फ्लक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि कॉइल विल फॉलो डिफरेंट पोजीशंस व्हाइल गोइंग थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो कभी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा ड्यू टू द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यू विल सी के यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शनल पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मौजूद है एक कॉइल। इस कॉइल को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड आर्मेचर। सो इट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल व्हिच इज अ सिंगल लूप इन दिस केस, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ताकि आपके लिए समझना इसको आसान हो। लेकिन रियल लाइफ के अंदर वी हैव मल्टीपल टर्न्स ऑफ लूप जो के जिनके ऊपर कंसिस्ट करता है आपका ये कॉइल। सो वी विल फर्दर हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन विच दिस कॉइल इज गोइंग टू रोटेट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके इंफ्लुएंस में है ये लूप, और इस इंफ्लुएंस के साथ साथ यहाँ पर लूप के दोनों जो एंड्स हैं उनको फिक्स किया गया है। दे आर फिक्स्ड ओवर टू स्लिप रिंग्स, दे आर कंप्लीट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, बिकॉज दे आर जस्ट अटैच विद द ब्रशेस
और ये बुनियादी तौर पर आपकी डेवलप होने वाले करंट को हार्नेस करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये ब्रशेस लगाए जाते हैं, ताकि हम लूप के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस करंट को आगे फर्दर लोड तक मुंतकिल कर सकें। दे विल बी अफिक्स्ड विद द लूप। और आप क्या देखेंगे यहाँ पर, यू विल फाइंड इंशाल्लाह जैसे ही ये रोटेट करेगा, इट विल कॉज अ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स एज वेल। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ कार्बन ब्रश। सो कार्बन ब्रशेज आर देयर। कार्बन ब्रशेज इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज कार्बन इज कंपैरेटिवली हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसमें मजीद ये कि इट इज अ गुड कंडक्टर, सो इट विल रिमेन स्टैटिक, इट विल नॉट मूव। इट कैन रोटेट, दिस पार्ट कैन रोटेट, बट दीज ब्रशेज बी एंड बी प्राइम बोथ ऑफ दीज विल रिमेन स्टैटिक। एंड वाई वी यूज और प्रिफर कार्बन, बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉल रेजिस्टेंस एंड एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। और यहाँ पर फाइनली ये करंट जो है ये आगे ट्रांसफॉर्म होगा टू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जब इसको किसी अप्लाइंस के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। सो जनरेटर्स विल कीप ऑन जनरेटिंग द एंड कन्वर्टिंग द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इट कैन डायरेक्टली बी यूज्ड टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। सो ये सेटअप है, इंशाल्लाह ये घूमेगा, और इसके रोटेट करने के लिए हम कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे अटैच्ड एनिमेशन में आप देख भी रहे होंगे। सो इंशाल्लाह जैसे ही कॉइल रोटेट करता है, सो एज सून एज द कॉइल रोटेट्स, दिस रोटेशन कॉजेज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ, और वो ईएमएफ जो डेवलप होगी, इट विल कॉज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू। जितनी तेजी के साथ आप फ्लक्स चेंज करेंगे, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो इट इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ वी वुड लाइक टू डिराइव the mathematical relation for the induced EMF, and in order to do that, let us say that this coil is being rotated by some mechanism in the anti-clockwise direction. And anti-clockwise direction, while we are observing it from the top view. So top view से देखते हुए जब आप इस coil को घुमाएंगे, तो घुमाने की वजह से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कंडक्टर्स एक्चुअली, इट इज अ कंप्लीट लूप और ये एक कंडक्टर है। सो अगर हम इसको फोर सेगमेंट्स में देखें, लेट अस से दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप वेयर दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी, दिस वन इज सी, एंड आउट हियर इज साइड डी। सो ए और बी वाली जो साइड है, दिस साइड इज गोइंग टू रोटेट। सो एज इट रोटेट्स, इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी अलोंग, सो लेट्स से ये एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा है, और इसकी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इफ लेट्स से दिस इज अ लूप, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द साइड ऑन व्यू से इट इज सॉर्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। सो व्यूड फ्रॉम अबव इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस have a look at it from the top view, so which is shown in the downward direction. So agar yahan par ye wala jo marker hai, ye magnetic field ko represent kar raha hai, and the other one this pen is representing the velocity. To jab ye loop ghumega, so let us say it is at this point, so as it will rotate, सो मैग्नेटिक फील्ड तो उस ही साइड पर है, उसके दरमियान में और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल है वो चेंज होगा। सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो दिस एंगल बिटवीन द स्पीड ऑफ द लूप एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिटरमिन द डायरेक्शन
ऑफ इंड्यूस करंट। सो चले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फर्ज करें ये लूप इस तरफ घूम रहा है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हम वी से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी अलोंग दिस साइड। सो व्हेन आई से इन द इनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मीनिंग ये है कि मेरे लूप के इस एंड के ऊपर जो करंट है वो अगर इनवर्ड है, इस साइड पर मैग्नेट करंट जो चार्जेस पर लगने वाली फोर्स के नतीजे में डेवलप होगा वो अगर इनवर्ड है, तो इस ही तरह से इस वाली साइड के ऊपर द करंट विल बी अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी लेट्स से आउट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है ऑफ बोथ कंडक्टर्स, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, सो ये जैसे जैसे घूमता जाएगा ये चेंज होती रहेगी। सो ऑन दिस साइड अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं, ऑन द बॉटम साइड, ऑन द अदर साइड लेट्स से, सो यहां पर ये अगर स्पीड है आपकी, ये स्पीड है और मैग्नेटिक फील्ड वॉज अलोंग दिस डायरेक्शन, सो इफ यू टर्न इट अराउंड सो यू विल फाइंड इन दिस केस यूज द राइट हैंड रूल एंड कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वी टू बी, सो वी से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करें, यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो करंट है इट विल बी इनवर्ड, सो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वी विच इज ऑन द मार्कर साइड एंड टूवर्ड्स द पेन विच मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड, सो यू विल फाइंड कि ये जो करंट है ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो लूप में आपने देखा कि यहां पर करंट आउटवर्ड है, ऑन दिस साइड द करंट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज ऑन दिस साइड द करंट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, सो होपफुली यू कैन व्यू इट वेरी वेल, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो चलें वापस चल जाते हैं उसी रिप्रेजेंटेशन में, सो यू विल सी कि यहां पर जो आपका लूप है उसमें इस डायरेक्शन में करंट अपवर्ड है, जबकि यहां पर जो करंट है इट इज अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो होगी हमारी दो चीजें, सो ऑन दिस साइड यू आर ऑब्जर्विंग दैट द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि इस साइड के ऊपर करंट जो है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इस तरह से राइट हैंड रूल से आप करंट की डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं, और आप देखें इस साइड पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है और ऑन दिस साइड अनदर ईएमएफ इज इंड्यूस, बोथ विल कॉज द करंट टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एज फार एज द टॉप एंड बॉटम साइड्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज द टॉप एंड बॉटम साइड्स आर कंसर्न्ड, इन दिस केस यू विल सी के यहां पर अगर चार्ज पर फोर्स लग रही है ऊपर, तो क्या चार्जेस इस रास्ते पर ऊपर या नीचे हरकत कर सकते हैं, लाइक चलें वी क्रॉस बी करके फोर्स अगर ऊपर लग रही है तो मेरे यहाँ के चार्जेस बाहर नहीं आ सकते, दे कांट मूव अपवर्ड, नीदर दे कैन मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम इज द केस फॉर द बॉटम साइड, जो बॉटम पे साइड है बी सी, उस साइड में भी देखेंगे अगर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी चार्जेस पर, तो चार्जेस जो हैं वो एक साइड पर कन्फाइन होने की या फोर्स के, तो उस तरह से ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकेगी जैसा कि हमने देखा है लूप के लेफ्ट और राइट साइड पर। यहाँ पर आपने देखा कि फोर्स लगी, पॉजिटिव चार्जेस नीचे इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर आप उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्जेस ऊपर, तो एक ईएमएफ डेवलप होगी। इसी तरह से हमने इस साइड पर देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्युमुलेट हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज हैं वो नीचे आएंगे, नतीजतन एक ईएमएफ डेवलप होगी दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाले कंडक्टर्स में। सो लेट अस नाउ कंटिन्यू, जबकि इसके मुकाबले में जो इस साइड पर आप देखेंगे तो यू विल सी के यहाँ पर इसकी, इस कंडक्टर की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो स्टिल उसी डायरेक्शन में है। सो फ्रॉम द राइट हैंड रूल अगर आप वी से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, यू विल फाइंड कि आपका थंब इंडिकेट करेगा अपवर्ड, जिसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, चार्जेस पर जो फोर्स है वो ऊपर की जानिब लगेगी। सो वी ऑल नो द सेम फिनोमेना जो कि हमने मोशनल ईएमएफ में स्टडी किया था, सो उस फिनोमेना के मुताबिक इस साइड ए बी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, दैट इज गिवन बाय वी बी एल साइन ऑफ थीटा,
जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है जी, मोशनल ईएमएफ, एंड दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिकॉज द कंडक्टर इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर के उस पर एक साइड के ऊपर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड के ऊपर आपके नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएं ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सेटअप एक ईएमएफ डेवलप करता है जो कि वजह बनता है आपके चार्जेस की हरकत करने का। सो इट विल बी द इट विल कॉज द it will become a cause just like a battery, or battery ki tarah ka ye dono conductors contribute karenge, whereas so that will be equal to vbl sin theta. So dono conductors ki kyunki speed same hai, so relative speed same hone ki wajah se dono cases ke andar same value of emf induce ho jayegi. Moving forward to the other sides jo ke hamari top aur bottom wali sides thi jinka tazkara abhi humne kar bhi liya hai, वो ये कि यहाँ पर जो चार्जेस पर फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। अब ये बेचारा चार्ज या तो लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है या राइट मूव कर सकता है, ऊपर या नीचे लगने वाली फोर्स इसको मूव नहीं करवा सकती, ये ईएमएफ डेवलप नहीं कर सकती। एक साइड के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट नहीं होंगे, सो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस। सो द नेट ईएमएफ is contributed by the two sides out of four. One is AB, the other one is CD. So this is VBL sine of theta, 2 VBL sine theta. So as far as this V is concerned, so you will find that ye V ko hum angular motion se relate kar sakte hain. We all know very well कि ये लीनियर स्पीड है v, वेयर एज r इज द एंगुलर स्पीड, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो v की जगह पे r ओमेगा लिख दिया जी, ओके। सो इसको लिखने के बाद अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन से बचना आसान हो। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि हम वी की जगह पे आर ओमेगा तो लिख दिया, नाउ लेट अस जस्ट ब्रिंग दीज टर्म्स इन अ पैरेंथेसिस। सो आई हैव जस्ट ब्रॉट दीज टर्म्स इनटू पैरेंथेसिस टू आर एल, बिकॉज इफ यू हैव अ रेक्टेंगुलर लूप लाइक दिस जिसमें यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो यहां से इतना फासला रिप्रेजेंट करेगा आर को, एंड दिस आर मल्टीप्लाइड बाय टू, दिस आर मल्टीप्लाइड बाय टू विल मीन इट विल बिकम टू आर, ये बन जाएगा टू आर, जबकि इसकी जो लेंथ है वो एल है, सो दिस लेंथ इज एल। सो इफ वी मल्टीप्लाई एल विद टू आर व्हाट विल वी ऑब्टेन जी, सो वी विल ऑब्टेन area, area of the loop. So that is why I have substituted this vector by a, and this formula is derived for a single loop. Whereas agar hum baat karein, so we are in practical terms we will be dealing with more than one terms, we will be talking about a large number of terms, so that is why we will multiply this vector by n. So, यहां पर आपको थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना होगा ओमेगा को, सो दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहां पर जब आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ टाइम, विच मीन्स किसी भी लम्हे पर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की कीमत जो है वो मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल रिलेशन, एज वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, सो इफ इट इज सो देन थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, सो दिस इज कॉल्ड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
So, any question till now? I would like to take a pause. So, students, I call this formalized E is equal to Nawab. So, this is how I would be easily able to remember this formula. So, main isko E is equal to Nawab kehta hun. So, Nawab. N for number of turns, omega is angular speed, A is the area, B is the magnetic field, and theta. That is the angle of rotation, as you can see in the top view of the loop rotating within the presence of magnetic field. So, having done this, we will further move. Or agar to aisa ho ke theta 90 ho. So, for this case, you will get the maximum induced EMF when the angle between the speed and that of the magnetic field would be 90 degree. So, is 90 degree angle ki wajah se maximum value aapko milegi. So, this is E note. So, this is E note. E note means this is maximum value of induced EMF. Peak value bhi hum isko keh sakte hain. So, alternating current ke andar jo peak voltage hai, wo uski kiemat E note hai. Ohm's law ke mutabik agar hum current malum karna chahein. So, current is the voltage divided by resistance. So, in our case, voltages are being produced, so ये EMF होगी, इसलिए मैंने इसकी जगह पर substitute किया है E को. अब EMF का formula हमने अभी derive किया है, that is Nawab sin theta. So, Nawab को जरा substitute करें. इस Nawab को हम क्या लिख सकते हैं? It can be substituted by E note, क्योंकि इतना factor peak EMF को represent कर रहा है. Whereas the theta is omega t. So, ab in two factors ko agar dekha jaye gaur se, like if you observe these two factors. So, agar EMF ko resistance se divide karein, voltage ko resistance se divide karein, to current aata hai. So, agar maximum EMF ko hum divide karte hain resistance se, so we will get maximum value of current, which means peak current. So, this is peak current. So, I will be equal to I naught sine of theta. So, hopefully it would be very much clear for each and every one of you to understand. So, omega ki jagah par hum kya substitute kar sakte hain? We can substitute omega with 2 pi f. Just recall karein chapter number 7 jab humne basic terminologies padhi thi associated with the oscillations to humne padha tha time period frequency and angular velocity so angular velocity or angular frequency is the factor 2 pi divided by t so I would like to correct it 2 pi over t so it will be equal to 2 pi f. So, ye 2 pi f aa gaya. So, isliye maine omega ki jagah par substitute kiya hua hai yahan par 2 pi f ko. So, I is equal to I naught sine of theta. In a similar fashion, E is equal to this factor. You can represent, agar hum is formula ko dekhen, so that I can easily substitute Nawab by E note. So, just substitute Nawab by E note and E note into sine of theta. So, this is it. Ye hai wo EMF jo ke ek alternating current ki wajah se generate hoti hai. Aur aap kisi bhi lamhe ke upar iski kimat malum kar sakte hain by this angle theta. Is angle se, is phase se. So, this is phase. Phase angle theta. So let us explore the final part that is this graphical section. So agar main abhi dekhun isko bilkul top view se. If this is the coil where magnetic field and the loop both are parallel to each other. So aise case mein you will see that the angle between the magnetic field and the velocity would be equal and same. So the angle between the speed and magnetic field would be zero. So agar ye angle zero hoga, to ye sine bhi zero hoga. So if sine is zero,
इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगी। याद रखें आप अगर समझे तो यहाँ पर फ्लक्स तो मैक्सिमम है। यू वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड के फील्ड लाइंस तो मैक्सिमम पास कर रही हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वी ऑल नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट ऑल अबाउट फ्लक्स, इट इज ऑल अबाउट द चेंज इन फ्लक्स। द चेंज इन फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट induces EMF. So if I can rotate this loop and you can see this marker, so आपको अंदाजा होगा कि जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊंगा this V will keep on changing. So अभी अगर magnetic field भी दाएं जानिब है, so you will see both are parallel, so theta will be zero. Whereas जब ये घूम के vertical position में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी राइट साइड पर ही है, बट इट्स वेलोसिटी हैज नाउ बिकम परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री घूमने के बाद, ये 90 डिग्री घूमने के बाद आपकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वी की, जो वर्टिकल है ये वी है और हॉरिजॉन्टल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल बिकम साइन 90। सो साइन 90 इज व्हाट इट इज मैक्सिमम। सो यू विल सी साइन 90 की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी, इसी वजह से क्योंकि आपने चेंज इन फ्लक्स किया है, एंड व द चेंज इन फ्लक्स इज मैक्सिमम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो मैक्सिमम। सो साइन 90 इज 1 एंड यू विल गेट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द लूप। तो इसको मजीद आगे की तरफ लेके चलें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया वर्टिकल से, हमने 90 डिग्री कवर किए, 90 डिग्री कवर करने के बाद अगर हम मजीद आगे मूव करें 90 के बाद नेक्स्ट 90 और कवर करें, सो यू विल सी कि अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जबकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऑब्वियसली उधर ही है। सो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सो यू कैन simply see that it is going to make an angle of 180 degree. So 180 degree means sine of 180 that is zero. So again, flux to maximum hai, but the change of flux is zero. So in this case, jo net EMF induce hogi, that will be zero. So hum apne loop ko usse aage lekar chalte hain. So now the loop is in this position. So is position se mazid aage ghumega. So we started from, I would like to recall, we started from this point where V was on this conductor, it was on the right side. 90 degree ke baad ye is position mein aaya sin 91, then abhi 180 degree par sin 180 0, and now it will further move and go down. और इस पोजीशन में जब V इधर है और B इधर है तो अगेन आप देखें द एंगल इज नाउ 270 डिग्री। सो जस्ट टेक अ लुक एट द आउटर एंगल क्योंकि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू 270 डिग्री। ये 270 डिग्री एंगल दैट इज वेरी सिंपली -1। सो साइन ऑफ 270 इज -1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपके सामने ये वाली साइड थी जबकि घूमने के बाद ये साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी। सो व्हेन दिस कंडक्टर ए बी वाज ऑन द राइट साइड एंड इट गेव अस अ मैक्सिमम वैल्यू ई नोट, नाउ अगेन देयर इज अ मैक्सिमम चेंज, बट this time around this conductor AB is not on the same side, rather it is along the opposite direction. So maximum to hai hi, lekin jo induced EMF hai that will be along the opposite direction. So isi wajah se ye further move on karega. So is 270 degree wale angle ke baad it will further carry on and again a cycle has been completed. So cycle ke complete hone ke baad you will see that theta will become equal to 360, and we all know sine of 360 is zero.
सो ईएमएफ विल कम बैक टू जीरो. सो इन दिस वे हमने ये एक साइकिल डिस्कस किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट कॉइल के घूमने के साथ साथ अपनी पोलैरिटी भी रिवर्स करता रहेगा, और पोलैरिटी रिवर्स करने के साथ साथ अपनी मैग्नीट्यूड भी हर इंस्टेंट पर वेरी करता रहेगा. सो एट एनी इंस्टेंट वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल रिलेशन ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ थीटा. सो सिंस दिस करंट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोलैरिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट. सो इसी वजह से हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. और इसके साथ ही साथ फर्दर देखा जाए तो वी नो द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड, एंड वी आर यूजिंग आर्मेचर विच मीन्स वी हैव मोर देन वन टर्न्स. यानी एक लूप नहीं है बल्कि हमारे पास मल्टीपल टर्न्स ऑफ लूप हैं जो कि यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं. सो यही प्रैक्टिकल मोटर्स के अंदर होता है. सो इफ यू हैव अ सेटअप वेयर वाटर इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स और उसमें यहाँ पर कोई टर्बाइन लगी हुई है जैसे डैम्स के अंदर होता है. सो व्हेन द वाटर इज फॉलिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. And this kinetic energy is transferred to the turbine, which causes the turbine to rotate. अब turbine के साथ shaft को attach किया जाता है हमारे coil की, and we are going to rotate this loop by means of under the presence of a magnetic field. So you will get electricity out of this. So ये जो आपका generation वाला एक setup है, पूरा एक generator है. ये क्या करेगा, आपके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से आपने यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस की है. वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है ये इंड्यूस करंट डेवलप करती है. किस तरह का दी, ऑल्टरनेटिंग करंट. सो आई वुड लाइक दैट यू मे आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज. So, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है जी क्वेश्चन. When the switch is in the circuit is closed, then the current is established in the coil and the metal ring jumps up. जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर जो इस सेटअप में पड़ा हुआ रिंग है विच इज इंडिपेंडेंट, ये ऊपर की तरफ जाता है. क्वेश्चन है क्यों. सो आई वुड लाइक टू टेक आंसर फ्रॉम यू. AC generator which we have studied just right now, you must have seen many of the practical applications of this AC generator, chahe wo hybrid gaadi ho jahan par ek initial certain speed tak, let's say 40 tak to gaadi jo hai wo petrol pe chal rahi hai, so then it transfers towards the shifts on the electrical power. So वहां पर भी इसको यूज किया जाता है. आपके जनरेटर के स्टार्टर्स हैं, वी हैव ऑक्सिलरी पावर जनरेटर्स इन एयरक्राफ्ट. सो वी हैव विंड जनरेटर्स एज वेल, विंड मिल्स भी होती हैं, एंड गैस टर्बाइन जहां पर स्टीम पुश करती है आपकी टर्बाइन को, एंड देन टर्बाइन रोटेट्स एंड कॉजेस द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू be converted into electrical form of energy by means of AC generator. So AC generators jo hain they are widely used in the real life, chahe wo aapka auxiliary setup hai ya or wind power generation hai, and many non conventional sources of energy are being used to generate electricity through AC generator. So another assignment for you, you may complete this, do it by yourself, collect the data, and by collecting data you will find that we are given with the induced EMF as well as we are given with the number of turns, and we need to determine angular speed. So angular speed is omega. This is omega. So omega ko hum easily determine kar sakte hain. The other factors are given. So just do it by yourself, calculate and explore. So today's lesson, the message of the day is the resultant is the sum of individual parts. So
जो आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स हैं, ये छोटी छोटी एफर्ट्स कंबाइन होकर एक आउटपुट जनरेट करती हैं। यहाँ पर एक टीम वर्क से रिलेटेड बहुत अहम मैसेज भी है कि इफ ऑल ऑफ यू वर्क एज अ टीम, इफ ऑल ऑफ यू वर्क इन अ ग्रुप, देन यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड बाय लर्निंग फ्रॉम ईच अदर यू कैन मेक अ रियली गुड आउटकम आउट ऑफ इट। सो जस्ट वर्क इन अ ग्रुप एंड प्ले बी आ टीम प्लेयर। थैंक यू वेरी मच। हम आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।